स्ट्रोक्स लॉ, स्ट्रोक्स लॉ में देखो ये सिर्फ एक लॉ है, मतलब ऐसा नहीं है कि इसका प्रूफ जो है वो यूनिट्स एंड डायमेंशन हम करेंगे, पर लॉ क्या है इसको समझते हैं। स्ट्रोक्स लॉ के अकॉर्डिंगली एक डायग्राम बनाएं, एक सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर नीचे आ रहा है विद अ वेलोसिटी ऑफ वी, इसमें वी फॉर वेलोसिटी है, इसका रेडियस आर है, और एक लिक्विड में आ रहा है और लिक्विड का कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा है, ईटा। ठीक, ये डायग्राम साथ बना ले। तो इसके अंदर ये गिवन है कि अगर आपके पास एक स्फीयर है, देखो ये सिर्फ और सिर्फ स्फेरिकल बॉडी के लिए ही लगता है, और बॉडीज के लिए क्या लगता है वो कम से कम स्ट्रोक्स लॉ ऐसा ही लगता है, तो हम जो क्वेश्चन करेंगे वो स्फेरिकल बॉडीज पे ही करेंगे। तो स्फेरिकल बॉडी अगर किसी लिक्विड में गिरती है जिसकी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा है, तो लिक्विड इसके ऊपर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगाएगा, जिसको विस्कस ड्रैग भी बोलते हैं। वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या लगेगी, 6 पाई ईटा आर इंटू वी। ये फॉर्मूला हमने याद करो यूनिट्स एंड डायमेंशन के अंदर भी सीखा था, तभी तो ईटा का फॉर्मूला आया था, ML-1 T-1। तो ये स्टोक्स लॉ ने फॉर्मूला दिया था। तो स्टोक्स लॉ के अकॉर्डिंगली दी बैकवर्ड विस्कस फोर्स, बैकवर्ड विस्कस फोर्स का मतलब बैकवर्ड फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन अ स्फेरिकल बॉडी ऑफ रेडियस आर मूविंग विद वेलोसिटी वी थ्रू अ फ्लूइड ऑफ विस्कोसिटी, करेक्शन करो ईटा, यहां पर करेक्शन करो दिस इज ईटा, इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। ठीक है यहां तक? तो स्टोक्स लॉ की डेफिनेशन क्लियर है, फॉर्मूला याद हो गया, स्फेयर के लिए एक फ्रिक्शनल फोर्स क्या एक्ट करेगी इसमें, तो हमने ये फ्रिक्शनल फोर्स ईटा ए डी वी बाई डी एक्स भी की थी, पर वो लेयर्स के बीच में थी पानी के, लिक्विड के, इसमें स्फेयर के और लिक्विड के बीच में। तो अगर प्रूफ आ जाए, स्कूल में नॉर्मली प्रूफ आ जाता है स्टोक्स लॉ का, तो याद करो यूनिट्स एंड डायमेंशन में करते थे, विस्कस फोर्स स्टेटमेंट भी याद है मुझे, आप पूछा करते थे सर विस्कस फोर्स क्या होती है, मैं बोलता हूँ फोर्स होती है, विस्कस ड्रैग क्या होता है, मैं कहता हूँ फोर्स ही होती है। तो फोर्स डिपेंड्स अपॉन ईटा रेज टू पावर ए, आर रेज टू पावर बी एंड वेलोसिटी रेज टू पावर सी। तो फिर इसको हम कॉन्स्टेंट के लगा के ईटा रेज टू पावर ए बी एंड सी, फोर्स का मतलब एम एल टी माइनस टू, ईटा का मतलब एम एल माइनस वन टी माइनस वन, आर का मतलब एल और वी का मतलब एल टी माइनस वन। ऐसे एबीसी सॉल्व करेंगे, एबीसी ऐसे केस में याद करो 111 आता है, 111 से आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 पाई कॉन्स्टेंट को पुट कर लेना, एफ इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी, आर लगा लेना आर वी, ये फॉर्मूला आएगा। तो ये इसका प्रूफ है।